ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले स्वाद बिहार का। नवादा जिले में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने दलित बस्ती में आग लगा दी। गांव के लोगों का दावा है कि करीब 80 घर इस आग में जलकर खाक हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि किस घर ही जले हैं। इस मामले पर पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सियासत अब जमकर हो रही है। इस घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज। नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में आग लगाई। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर। गरीब जले मरे, इन्हें क्या, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं। इतना ही नहीं, तेजस्वी की पार्टी ने भी इस घटना को लेकर बीजेपी और जेडीयू को जमकर घेरा। पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नवादा में पिछली रात दलित बस्ती में आग लगा दी गई, कई घरों में आग लगा दिया गया, क्या कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बड़ा सवाल। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मनबढ़ू और मनचढ़ू लोगों ने दलित परिवार की लगभग सैकड़ों घरों को फूंक दिया, लगभग 100 घरों को फूंक दिया, आग के हवाले कर दिया। बगल में थाना पुलिस का इकबाल इस कदर मर चुका, ये जलाद राज है यह महाजंगल राज। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी को पीपुल डोमन में बिंदुवार तरीके से बातों को स्पष्ट करनी चाहिए। तथ्यात्मक, बिहार में आम आवाम का जान की रक्षा होगी कि नहीं होगी, कब तक अचेत अवस्था में आप रहेंगे, कब तक लोग मारे जाते रहेंगे, जो कमजोर सबसे अंतिम पायदान में रहने वाले लोग जो जीवन यापन करते हैं झोपड़ियों में, आपके लोगों ने, एनडीए के दबंगों ने आग के हवाले किया है। वहीं जेडीयू की तरफ से बचाव में संजय झा सामने आए। संजय झा ने कहा कि घटना में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक्सीडेंट हुआ जिसमें दलित बस्ती में आग लगा दिया गया है, क्या सिचुएशन है, क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर? नहीं, जो घटना हुआ है दुखद है और सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। ऑलरेडी सब जगह मैसेज दे दिया गया है, जो भी कल्प्रिट है अरेस्ट भी हो रहा है और कोई बचेगा नहीं इससे। दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना और कम से कम सरकार में इस तरह का कभी अलाउ नहीं किया गया है, तो जो लोग भी होंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस घटना के बाद से सूबे की सियासत बिल्कुल गर्म है और तमाम नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है। वहीं सीएम ने भी समीक्षा बैठक बुलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।